हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को महेश कुमार बर्डवाल द्वारा लिखी गई है। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने बायोलॉजी के 3 पार्ट बना दिए हैं, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन स्राव को प्रेरित करता है? तो किसे करता है? ऑक्सीटोसिन को, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर से परावटु ग्रंथि यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो किस में होता है? थायरोक्सिन में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? किससे होता है? यानी कि गॉल ब्लैडर में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़ो उड़ो फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो किसे जानते हैं हम? एड्रेनालिन को, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, तो आप दोनों यूनिट में ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ बाहिनिलीन यानी डक्टलेस हैं? तो कौन सी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई यानी इंजेक्शन लगाई जाती है? तो किसकी लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय के को पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? सिक्रेटिन। अगला पॉइंट है, यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लाइकोगन का निर्माण नहीं होगा, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो किसे क्या कहते हैं? कार्यात्मक रोग। नेक्स्ट आपको मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका दी गई है, तो हार्मोन है और शरीर में उनकी भूमिका दी गई है। तो सबसे पहला हार्मोन है सोमेस्टिनोन, तो वृद्धि हार्मोन को स्रावण को रोकता है, वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकना। अगला है ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन, तो प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, इसी के द्वारा स्तन ग्रंथियां से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। अगला हमारा मेलाटोनिन, तो ये सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, कौन? मेलाटोनिन, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा एड्रेनालिन, या इसी को हम कहते हैं एपिनेफ्रिन, तो इसका काम होता है हृदय स्पंदन, रूरल दबाव व श्वसन का नियमन करना। अगला है शरीर को युद्ध व पलायन के लिए तैयार करता है। अगला हमारा एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास के लिए, स्त्रियों में दैत्यिक लैंगिक लक्षणों का विकास के लिए एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेस्टेरोन, तो गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय में बनाए रखने में सहायक है। नेक्स्ट हमारा टेस्टोस्टेरोन, तो पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है। अगला हमारा इसी में पुरुष द्वितीय के स्रावण को प्रेरित करना, प्लाज्मा प्रोटीन या एनजीओ टेंसिनोजन एवं एंजियोटेंसिन को तोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है।
तो ये सब हार्मोन और उनके कार्य आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। अगला है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो कौन सा हो जाता है, ड्यूरेसिस। अगला हमारा स्तनधारियों में दुग्धस्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, कौन करता है, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। अगला हमारा पैरेटिट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कान के नीचे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, कौन सी है, थायराइड। अगला है थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है, कौन सा है, थाइमोसिन। अगला क्वेश्चन है गर्भनिरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं, तो किसकी दी जाती हैं, एस्ट्रोजन की। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि अंता व वाह स्त्रावी दोनों प्रकार की होती है, कौन होती है, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है कौन सा बल्लक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है, कौन करता है, मेलेनिन। अगला है हमारा कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है, कौन करती है, थायराइड। नेक्स्ट आपको कुछ हार्मोन दिए गए हैं, ग्रंथि दी गई हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन दिए गए हैं। अगला है, पहला है अग्नाशय, तो इससे कौन सा निकलता है, ग्लूकोगेन। नेक्स्ट है पीयूष, तो इससे थायराइड उद्दीपक हार्मोन निकलता है। अगला है अधिवृक्क, तो इससे कोर्टिसोल निकलता है। अगला है वृक्क, इससे विटामिन डी का स्त्राव होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्त्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है, तो किस प्रकार लाभदायक है, ये शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, जिंक यानी कि जस्ता। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है, कौन करता है, पराप2। अगला पॉइंट है हमारे शरीर में उपापचय वृद्धि जनन रुधिरदाब रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि को नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, तो किस रूप में जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो प्रमुख ग्रंथियाँ दी गई हैं। सबसे पहली ग्रंथि है हार्डेरियन ग्रंथि यानी कि हार्डेरियन ग्लैंड्स, इससे का मेन काम है नेत्रों में स्त्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। अगला है हमारा यूट्रिकलर ग्लैंड्स, तो इसमें कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं। अगला है आंत ग्रंथियां, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, तो कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती है। अगला है श्लेष्म ग्रंथियां यानी म्यूकस ग्लैंड्स, तो मेंढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। अगला है हमारा ब्यूनर्स ग्रंथियां, तो कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी व संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथियां, तो स्तनियों तथा केचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। कॉपर ग्रंथियां, स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां, ये भी हमारी। अगली हमारी बाइटिलाइन ग्रंथियां, तो इसमें प्लेंटी हेल्म तीज प्राणियों के जननांगों में पाई। ग्रंथियां यानी कि फैट ग्लैंड, तो स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। अगली हमारी श्वेत ग्रंथियां, तो इस स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियों में मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारी स्वेमिरेडन ग्रंथियां, तो ये मेंढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। अगली है हमारी स्तन ग्रंथियां यानी कि मामी ग्लैंड्स, तो स्तनियों में दूध का स्राव करती है। अगला हमारे सेरुमिनस ग्रंथियां, तो स्तनियों की कर्णगुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। अगला है हमारा लाइक्राइमल ग्रंथियां, तो ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। अगली है हमारी डीप ग्रंथियां, तो ये संयुक्त नलाकार ग्रसनी ग्रंथियां जी म्यूकस श्लेष्मा में स्रावित करती हैं। तो अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रोग एवं उपचार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है पानी से भय यानी कि हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है, विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा मेरज्जू पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण हैं, किसके, मेनिनजाइटिस के।
अगला क्वेश्चन है शिशुओं में अतिसार यानी कि डायरिया का कारण क्या है, तो क्या है, रोटा वायरस, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है बदमोत्पात हिस्ट्रिया रोग सामान्यता युवा महिलाओं को प्रभावित करता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं, तो आँख के ये किस भाग में पाए जाते हैं, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों के परिवर्तन में परिवर्तित होती हैं, तो कहाँ पर होती हैं, दृष्टिपटल पर यानी कि रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है, किससे संबंधित है, फेफड़ों से। अगला पॉइंट देखते हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कूकर खांसी टेटनेस डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के। अगला क्वेश्चन है भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है, तो किसके कारण उत्पन्न होती है, सेल्मोनेला बेसिलाई के। नेक्स्ट है हमारा मम्स रेबीज हार्पीस आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जल में किसकी अधिकता के कारण इटाइटाई रोग होता है, तो किसकी अधिकता कारण होता है, कैडमियम के। नेक्स्ट हमारा फेनिल कीटो न्यूरिया रोग किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, मानसिक जड़ता से। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है, तो किससे संबंध है, निम्न रक्तचाप से। अगला क्वेश्चन है मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा होता है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, तो क्या है, रॉयल हीमोफीलिया। अगला पॉइंट है हमारा भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए पी बाई बैक्स परजीवी उत्तरदायी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है, किसकी कमी होने लगती है, प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया पिलाय अगला क्वेश्चन है ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं, आर्सेनिक 74 का। अगला पॉइंट है यदि मूत्र के साथ एल्बोमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क यानी किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं साल्क टीका किस रोग से संबंधित है, किससे संबंधित है, पोलियो से। अगला क्वेश्चन है एथलीट फूट नामक बीमारी किससे होती है, किससे होती है, फफूंद यानी कि फंगस से। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है, किसका करते हैं, रेडियो सोडियम का। अगला क्वेश्चन है पौलिशयुक्त चावल के सेवन में कौन सा रोग होने की संभावना होती है, कौन सा रोग होने की संभावना होती है, बेरी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है, कौन है, मच्छर। अगला हमारा पॉइंट है हानिकारक विकिरणों से मनुष्यों के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं MRI का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, किसके लिए करते हैं, अस्थिरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, कौन सा है, एडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, FG बेंटिंग ने। अगला पॉइंट हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन द्वारा होने वाली बीमारी इम्फाइसीमा से फुसफुस यानी फेफड़ों प्रभावित होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, कौन होता है, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। अगला क्वेश्चन है पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, जोनस साल्क के द्वारा, कब की गई थी, 1952 में। नेक्स्ट पॉइंट है पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन जल के माध्यम से प्रवेश करता है। अगला देखते हैं मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जा सकता है, किससे पहचान सकते हैं, विद्युत मस्तिष्क लेख से यानी कि EEG यानी इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। अगला क्वेश्चन है सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, रिनो वायरस के द्वारा। अगला हमारा
इनोसमिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित, सूखने की शक्ति यानी कि ग्रेड संवादना की कमी से, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के उपयोगी हैं? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो किसके लिए करते हैं? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस के लिए। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? किसके द्वारा करते हैं? पोटेशियम के। नेक्स्ट आपको जीवाणु जनित रोग दिए गए और उनके कारक या जीवाणु दिए गए। सबसे पहला रोग है हैजा, तो किससे होता है ये? विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रोग हमारा दिया गया है डिप्थीरिया, तो ये किससे होता है? कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीआई से। नेक्स्ट हमारा क्षय रोग, तो ये माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, यानी कि इसे हम क्या लिखते हैं? TB। अगला हमारा कोड, तो इससे ये किससे होता है? माइको बैक्टीरियम लेप्रोसी से। नेक्स्ट हमारा टेटनेस, तो ये किससे होता है? कॉलिस्टेडियम टेटिनी से। नेक्स्ट हमारा टाइफाइड, तो सल्पा मोनेला टाइफोसा से होता है। नेक्स्ट हमारा प्लेग किससे होता है? डिप्लो कोल कोकलेल यूनिमोनियो से। नेक्स्ट हमारा गोनीरिया, तो ये किससे होता है? निसेरिया गुनोरहाई से। अगला हमारा सिपिलिसिस, तो ये किससे होता है? टेप्रोनेमा पैलिडियम से। अगला है सुजाक, तो किससे होता है? गोनाकोकस गोनोहराई, तो इन सबको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा, एमिनो सैसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में याक्षमा ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ दोनों के चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? प्लेग। अगला हमारा क्वेश्चन है, अबंधुकता इंडी पोजीशन नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? किसको करता है? आँखों को, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी टिप्रोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। किससे होती है? टिप्रोनोसोमा से। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? गोल कृमि यानी कि राउंड बॉर्म के कारण। अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा है? एड्स। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? किसका है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? कौन सी है? जीरोबुडिन से। अगला पॉइंट है हमारा, जापानी एनसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है, इसके उन्मूलन के लिए सूअरों का मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना आवश्यक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? किसके लिए करते हैं? एड्स के लिए, इसको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? किसकी नहीं रखता? हीमोग्लोबिन की। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं, क्यों होते हैं? उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, एड्स छोटी माता एवं गिलसुआ तीनों संक्रमक बीमारियां हैं। नेक्स्ट हमारा, एप्टा टॉक्सिन खाद्य विषैक्त पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा होता है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? किसके लिए करते हैं? कैंसर के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस क्या है? तो क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग। फसल रोग क्या है? रोग किसका है? किसका है? सरसों का। अगला क्वेश्चन है, पायरेला किस फसल में लगने वाला कीट है? किसमें है? गन्ने में। नेक्स्ट हमारा, भिंडी में पीत बल्ब शिरा रोग किस कारण होता है? किस कारण होता है? सफ़ेद मक्खी से। अगला पॉइंट है, खसरा यानी कि मसलेस रोगों को रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं की जा सकती हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? हेपेटाइटिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी खेत रोग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मुर्गियों से। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो काला किट और स्मिट, दोनों को ध्यान रखें, एग्जाम में पूछते हैं इसे। नेक्स्ट है हमारा, धान का टुंगरा विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? किसके द्वारा? हरी पत्ती के फुट के द्वारा। अगला हमारा, बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हालों में ब्लैक हार्ट का कारक है? तो ऑक्सीजन की कमी। क्या कारक है? ऑक्सीजन की कमी का होना। नेक्स्ट हम देखते हैं पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में, तो रोग का नाम दिया गया और रोग के लक्षण दिए गए। सबसे पहला हमारा कॉक्सीसोडियोसिस, तो रक्त स्त्रावी, अंतरशोथ, खूनी पेचिस, ये इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट हमारा बोबीसिएसिस, तो इससे क्या होता है? तीव्र ज्वर आता है या रक्त अल्पता होती है। अगला हमारा थीलोरिसिस, तो तीव्र ज्वर आएगा, बाह्य लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा इनापिलोजोमिस, तो रक्त लाल रक्त कणों का विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टिप्रोनिसिमिस, तो इसमें क्या होगा? ज्वर होगा और रक्त रक्त में लक्षण देखने को मिलेंगे। अगला हमारा ट्राइकोमोनिसिस, तो इसमें गर्भपात व बंधता होगी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे NCERT सार संग्रह बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप UP SSSC पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप फास्ट एड रिवीजन इस बुक से करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन इस बुक से के बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।